倒数计时三二一，唱首歌送你哆来咪。青春是我的加速器，再加上你就更无敌。我全副武装迎接你，神功护体，请别担心。如果你发现我心中的秘密，是意外或惊喜，微笑填满前记。试探我们距离，因为遇见你烦恼被治愈，告白回应都很默契。当靠近你靠近你，贴着你贴着你，一加一等于一，我要一张魔力，那你的名字在我心里会马上有力气。哦，我和你我和你，像苹果和吸引力，要如风铃亲吻大地。心有一些问题，拆盲盒的好戏，每次惊喜都会动心，因为你。यहाँ से प्लीज। दूल्हा दुल्हन के लिए कार ठीक बाहर पार्क के आप पहुँच गए। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। मेरी फियांसे को शर्म आ रही है। क्या कुछ है जिससे हम फेस कवर कर सकें? जिंग जिंग, ये ना। तुम क्या कर रहे हो? देखो, हमें ये करना ही पड़ेगा वरना वो हमें देख लेंगे। चलो। यहाँ पर देखिए, यहाँ आपकी फोटो बढ़िया आएगी। ये जगह बिल्कुल सही रहेगी। थैंक यू, ये लो। हम फोटोज नहीं ले रहे हैं, चलो कहीं चेंज करते हैं और कपड़े वापस करते हैं। चलो जल्दी चेंज करके अपने कपड़े पहन लो। अरे मैडम रुके, जाइए मत। आसपास देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिक्कत है? तुम्हारी नहीं, हमारी प्रॉब्लम है, चलो ना। लेकिन आपने ऑलरेडी पैसे दे दिए, अगर हमने फोटो नहीं ली तो हमारी कंपनी सोचेगी कि ये हमारी गलती है। हाँ प्लीज फिर से सोचिए। ठीक है, देखो जो भी हो, इन्होंने हमारी मदद की है और अब हम इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। लोकेशन तो बहुत अच्छी है, फोटो लेते हैं ना? लेकिन प्लीज मैडम, यहाँ बिल्कुल ठीक है, आप पास में जी। चलिए चलो। तैयार हो जाओ। मुझे आपका ड्रेस ठीक करने दो। मेरी तरफ देखिए प्लीज। रुको, मैंने अभी तक खा नहीं कहा। रख लीजिए, स्माइल। ओके बढ़िया, वेरी नाइस। चलो एक और लेते हैं, स्माइल, फिर से स्माइल। हेलो, मेरा एक रिजर्वेशन है मिस्टर वांग के साथ। इस तरफ आइए। हाँ मिस भाई, आप यहाँ पर क्यों हो? मैं यहाँ एक मीटिंग के लिए आई हूँ। तुम इतनी देर रात तक यहाँ अकेली हो? अब चेयरमैन पहले ही चले गए, मैं यहाँ किसी काम के लिए रुकी हुई थी। और तुम? बस ऐसे ही। ये क्या, मेरी चाबी? मुझे याद है मैंने इसी में रखी थी।
तुम्हें कोई मदद चाहिए? परेशानी के लिए माफी चाहता हूं। क्या तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। वो कार बहुत ही तेज थी। थैंक यू। कोई नहीं। मिस बाय, क्या मैं एक सेकंड के लिए आपका फोन ले सकता हूँ? किस लिए चाहिए? किराया देने के लिए। माफ करना, क्या तुम गुस्सा हो गए थे उस बात से? बिल्कुल नहीं, अब तो हमारा हिसाब बराबर है। पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, मैं इसी तरफ जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, तो क्या मैं अगली बार तुम्हें लंच के लिए लेके जा सकता हूँ? आज मैंने पहली बार वेडिंग ड्रेस पहनी थी। इतनी जल्दबाजी कैसे हो सकती है? काफी कैजुअल है। ठीक है ठीक है ठीक है, सारी मेरी ही गलती थी। ओके। तुम्हारी ही है? बिल्कुल है। ये कैसा आइडिया था वेडिंग ड्रेस पहनने का? सच में इन्होंने हमें ढूंढ कैसे लिया? मेरी मेहनत बर्बाद गई। तुमने हमें ढूंढा कैसे? रास्ते से हट जाओ वरना मार खाओगे। मिस्टर गो, इसके लिए हमें माफ करना। अपने बाप की उम्र के आदमी को मारती हो? बेटी, तुम्हारा नाम शो जिंगजिंग है क्या? हाँ जी। छोटी सी उम्र में होते हुए भी तुम्हें काफी अच्छे मूव्स आते हैं। थैंक यू। असल में तुमने बॉडीगार्ड का काम अच्छे से किया। ग्रैंडपा, जिंग जिंग से ऐसे बात मत कीजिए। मुझे तो ये लगा था कि तुम अपने बड़े सपनों के लिए घर से भागे थे, लेकिन ये जो तुमने किया है वो ठीक नहीं है। मैं तुम्हें अब और नहीं झेल सकता हूँ। ग्रैंडपा, ठीक है अगर आप मुझे अपने साथ घर ले जाना चाहते हैं तो, लेकिन उन्हें मुझे पीटने के लिए कहिए ताकि मैं उन्हें और ना रोक सकूं। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? और अगर कल आप कू ग्रुप को ट्रेंडिंग पर नहीं देखना चाहते हो तो हमारे लिए यही अच्छा होगा कि आप इसे और खराब ना करें। बात ना मानना, बड़ों को धमकियां देना, क्या तुम इसी बड़े सपने की बात कर रहे थे? तुम कंपनी में वापस नहीं आओगे तो तुमने आकर पूरे दिन बाहर घूमकर क्या हासिल कर लिया? मिस्टर, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, गू रॉन्ग अब बड़े हो चुके हैं, आप उनकी आजादी नहीं छीन सकते। बेटी, मैं अपने पोते से बात कर रहा हूँ, क्या तुम चुप रहोगी? आप अपनी जगह सही है मिस्टर, मैं इसकी बॉडीगार्ड हूँ। अगर आपने जबरदस्ती की तो मुझे इसे प्रोटेक्ट करना होगा। चलो कोई बात नहीं,
मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं गुरु, लेकिन मेरे पास बहुत है। वापस आ जाओ अगर तुम्हारे पास दिमाग है तो, वरना तुम जानते हो कि क्या होगा। अच्छा तो आपको हार मान लेनी चाहिए ग्रैंडपा, क्योंकि मैं तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक आप समझ नहीं जाते। एक बात कहूं, तुम उस वक्त किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। बिल्कुल। एक फूल की तरह, एक परी की तरह, जिसकी खूबसूरती पहले ना देखी हो। आहा, अरे तुम लोग आ गए। हाँ हाँ, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? हाँ, इतना मेकअप क्यों किया है? और तुम्हारे बाल, बोलो क्या किया है? हाँ मॉम, वैसे मैडम हमारी वो नहीं नहीं कुछ नहीं। चलो क्या तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो क्या? कितना बेकार है, मैंने इसके बारे में इतनी बार सोचा है। हम कैसे, ऐसा कैसे हो गया? फोटोज ले लो, फोटोग्राफर ने मुझे भेजे हैं। क्या वो सब बेतुकी बात थी? उसकी फोटोज क्यों रखने हैं? बेतुकी कैसे हो सकती है, देखो कितनी सुंदर लग रही हो तुम इसमें। मुझे तो ये वाली पसंद है, देखो। तुम्हें पसंद है तो क्या, उन्हें डिलीट कर दो। एक मिनट रुको, क्या तुमने नोटिस किया इसमें कुछ अजीब है? वो क्या? तुम्हें नहीं लगता इसमें कुछ कमी है? देखो क्या कमी है। यही कमी है। जिंग जिंग, गो। फ्रूट्स खा लो। मुझे नहीं खाने। अरे जिंग जिंग, गो तुम फ्रूट्स खा लो। हाँ। इससे अच्छा लगेगा। अच्छा। जिंग जिंग ऊपर गई है। हाँ, वो कह रही थी कि वो काफी थक गई है। हो सकता है। जिंग जिंग, फ्रूट्स नहीं खाए तुमने, यहाँ पर आओ। क्या, जाओ जाओ, ठीक से जाना। हाँ आज का दिन तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। मैंने उसके साथ वेडिंग फोटोशूट करवाया, वो काफी नहीं था जो उसने मुझे किस भी कर लिया। मैं कुछ बोल भी नहीं पाई। सो जिंग जिंग, नॉर्मली तुम उसे मुक्का मार देती, सीधा मुंह पे मारती। सो
बताओ कौन सी वाली फोटो तुम्हें पसंद है? हम इसे लिविंग रूम में फ्रेम करके लगाएंगे या फिर हमारे बेडरूम में? पहाड़ में जाओ। ये डिफरेंट फैमिली का बैकग्राउंड का मामला है। मेरे अंदर घमंड नहीं है, इसमें कोई घमंड की बात नहीं है। सब कहते हैं स्टेटस एक जैसा हो, बात में दम तो है, इसीलिए लोग ऐसी बात कहते हैं। सही कहा स्वीट सू, अगर तुम्हारे पास सू ग्रुप होता तो स्वीट सू। हाँ क्या हुआ? अरे मैंने जो कहा तुमने कुछ नहीं सुना क्या? मैं खुद से बात कर रही थी। हाँ अरे बोलो, तुमने ध्यान दिया मैं क्यों परेशान हूँ? तुम्हें पता है मैं सो नहीं पाई। तुमने ध्यान दिया मैं क्यों परेशान हूँ? चिल्लाओ मत डियर। तुम ना पहले की तरह मुझ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो। जब तुम जवान थे तो मेरे साथ रहते थे तो जोश में रहते थे, अब साथ रहकर सिर्फ सोते रहते हो। सो जाओ डियर। मैं परेशान हूँ, मैं कैसे सो सकती हूँ? शांत हो जाओ, चिल्लाओ मत। सो जाओ। तुम खराबे भी ले रहे थे। आ जाओ, सो जाओ। मैं तुम्हें बता रही हूँ। अंदर आओ। नहीं, आ जाओ बस। मेरा हाथ पकड़ो। वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। चलो मेरे साथ जॉगिंग में, प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाओ। हर सुबह 5 मिनट, 1 2 3 4। सुजिन जी, आज तुम इतनी उदास क्यों हो? हाँ मुझे देखो, उसके बाद खुद को देखो, तुम मेरी बेटी जैसी बिल्कुल नहीं दिख रही हो। तुम्हारे अंदर जोश ही नहीं है। तुम उठ गए? जी यार, आज तेरे मेकअप को क्या हो गया? काफी थकी हुई लग रही हो यार। मैं ठीक हूँ, मैं रात में ठीक से सो नहीं पाई। ओ या हो तुम तो। गू तुम उठ गए? गुड मॉर्निंग मिस। क्या हो गया? अरे तुम भी ठीक नहीं लग रहे हो यार। हाँ कल रात मैंने जाग कर काम किया, मुझे आराम नहीं मिला। तुम तीनों को कुछ तो हुआ है। हाँ अरे बहुत बोल लिया आपने। हाँ मैं देर से उठी हूँ और नाश्ता भी नहीं बनाया। जाओ बाहर जाकर बंस लेकर आओ। ओके सर। अरे जाओ जाओ जल्दी जाओ। मिस्टर मैं भी आपके साथ आऊंगा, मुझे थोड़ी ताजी हवा चाहिए। गुड चलो। 1 2 3 4, 1 2 3 4। सिंग सिंग, तुम्हें खाने में क्या चाहिए? श्रिंप और एग्स। अरे जिंग जिंग। हाँ मेरे साथ किचन में चलो, मेरी मदद करो आकर। हाँ जल्दी आओ। जिंग जिंग। हाँ तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है तो बताओ मुझे। कुछ नहीं। तुम्हारे और गू के बारे में क्या? तुम कब मुझे तुम दोनों के बारे में बताओगी? मैं अब और नहीं रुक सकती हूँ। हमारे बारे में क्या? तुम दोनों के बीच कल रात को कॉरिडोर में तुम लोग आपने हमें देखा था? जो भी हुआ मैंने सब कुछ देख लिया था। वो बस एक एक्सीडेंट था। क्या कहा? क्या एक्सीडेंट था? मेरी उम्र तुमसे ज्यादा है, मेरे साथ कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ? वो तुम्हारे बारे में क्या फील करता है? मुझे कैसे पता होगा क्या फील करता है? हमारी रेंज हुड काफी अच्छा है, ये नया है। जब से हमारे पास ये आया है मुझे मुश्किल से किसी चीज की स्मेल आती है।
देखो कितना अच्छा लगता है ये, काम भी बहुत अच्छा करता है। यहाँ आओ, मुझे कुछ बात करनी है, आओ आओ। शायद जब वो वापस आएगा तो मैं उससे बात करूंगी इस बारे में। इसमें आपको बात क्या करनी है, चीजें खराब मत करिए। अरे मैं चीजें खराब कर रही हूँ? तुम मेरी बेटी हो। मैं झूठ बोलूंगी क्या? मैं बताती हूँ, मुझे ये लड़का बहुत पसंद है। लड़का हैंडसम है, बैकग्राउंड भी अच्छा है, और सबसे बड़ी बात लड़के का नेचर भी अच्छा है। देखो उसने मुझे क्या क्या दिया है, इंटीग्रेटेड कुकिंग सिस्टम, और यहाँ भी देखो कम समय में जल्दी चीजें बना सकती हूँ बिना धुएं के। ये बहुत अच्छा है और कन्वीनियंट है। लड़का बहुत सोचता है, बस एक बात परेशान कर रही है कि वो फिजूल खर्ची करता है। बस ये एक ही बात है क्या? क्या आपको याद है जब वो यहाँ पे पहली बार आया था, वो बहुत अनोइंग था, उससे जो शादी करेगा जिंदगी खराब हो जाएगी। अच्छा उसके बारे में बुरा मत बोलो, फिर तुमने उसे किस क्यों किया? मैंने उसे किस किया? उसने मुझे किस किया? खीरे अच्छे वॉक के लिए आयो सू, हाँ अपने काम पे ध्यान दो, उसके बाल खराब मत करो। मिस्टर है, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। पूछो ना। आप ये कैसे पता करोगे कि कोई लड़की आपको पसंद करती है? अच्छा तुम खुद ही उससे क्यों नहीं पूछ लेते? अगर वो इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी तो? हाँ एक्सेप्ट ना करे। ओ सू, यहाँ हो तुम? हाँ, बंस एकदम फ्रेश है, खा के मजा आएगा। देखता। लो। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। बिल्कुल तुम्हारे जैसे एकदम खिलखिलाते हुए। मुझे 6 बंस दे दो फ्रेश मीट के साथ और 2 श्रिम्प एग्स के साथ। ओके सू, आप बातें अच्छी करते हैं तो इसीलिए मैं आपको पूरे 2 बंस एक्स्ट्रा दूंगी, ठीक है? 10 बंस हुए फिर। अरे ऐसा थोड़ी कर सकती हो। ऐसा क्यों? मैं तो बताता हूँ, अगर कैसिया को पता चला कि तुमने मुझे 2 बंस फ्री में दे दिए, वो मुझे मार डालेगी, वो गुस्सा हो जाएगी। मैं तुम्हें नहीं झेल सकती, तुम्हें हर जगह बताना जरूरी होता है कि तुम अपनी मैरिड लाइफ से खुश हो। अरे मुझे खुशी होगी रोज ये बात बताने में। अरे भाई ये तो हमारा प्यार है। बोलिए मिस्टर। मुझे लगता है कि तुम उसे एहसास दिलाने के लिए कुछ भी कर सकते हो कि तुम उसे पसंद करते हो। उसे बताने के लिए क्या कर सकता हूँ? हाँ कुछ भी। तुम्हारा फोन बज रहा है। ओ हाँ, मैंने सुना कल ग्रैंडपा सू फैमिली में गए थे। हाँ गए थे। अब तुम आगे क्या करने वाले हो? तुम वहाँ और नहीं रुक सकते। अरे छोड़ो यार, वैसे भी अब मुझे कहीं छुपना नहीं पड़ेगा। तो तुम वहीं रहने वाले हो क्या? हाँ बिल्कुल। मैं ग्रैंडपा को बहुत अच्छे से जानती हूँ, अच्छा होगा कि तुम जल्द ही घर आ जाओ, वो हार नहीं मानेंगे। ओके इतना ही था, और अगर कुछ और होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। सुनो सु, वो वहाँ पर हैंडसम लड़का कौन है? हमारा किरायेदार है। तुम्हारा किरायेदार? उसकी और जिंगजिंग की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। ऐसा नहीं हो सकता यार। क्या उसके पास पहले से एक लड़की है? क्या सच में ऐसा? और क्या, उसने मुझसे एडवाइस मांगी है, मैं बस उसे बता नहीं जा रहा था कि क्या करना है। ध्यान रखना इसका। ओके ये लो। ओके आ तो गई, चलो चलते हैं फिर। है हम चलते हैं। अच्छा फिर बाय सू। ये काम करना चाहिए तो है। उसे मजाक में बता दो, उसे उसकी फीलिंग्स का एहसास कराओ, और फिर उसे अपने प्यार में फंसाओ। क्या ये काम करेगा? अरे बिल्कुल करेगा, मेरी बात सुनो। मैंने ये किया है, ऐसे ही तो मैंने अपनी पत्नी का दिल जीता था। हाँ
क्या कह रहे हो? वो बहुत समय से सूज मार्शल क्लब में छुपा हुआ है और तुम्हें पता तक नहीं चला? हम 99% श्योर थे पर 1%। हाँ, तुम उसे वहां उतने दिनों तक कैसे रहने दे सकते हो? चेयरमैन हमारी बात समझिए, हम चले जाओ यहाँ से। हाँ, चलते हैं। तो आंड्रो बैठो। आंड्रो, तुम्हें पता था कि वो वहां रह रहा है? सच कहो, पता था ना? वो लड़की सु जिंग जिंग, वो बस उसकी बॉडीगार्ड है। तुम चाहती हो मैं तुम्हारा यकीन कर लूं? तुम्हें पहले ही पता चल जाना चाहिए था, वो लड़की सिर्फ उसकी बॉडीगार्ड ही है ना? मिस्टर गु बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं। उसने बहुत सारी अच्छी चीजें देखी हैं, अब वो नॉर्मल चीजें ट्राई करना चाहता है। तुम क्या उस लड़की के बारे में जानती हो? मैंने थोड़ी रिसर्च की थी। वो बेस्ट स्कूल से ग्रेजुएट नहीं है, वो इतनी केपेबल नहीं है, और वो मिस्टर गु के साथ काम करने से पहले अनएम्प्लॉयड थी। आंड्रो, जब से तुम यहाँ ग्रेजुएशन के बाद से आई हो, मैं हमेशा से तुम्हें इस फैमिली का हेल्पिंग हैंड बनाना चाहता था, तुम्हें जानती हो। क्या तुम जिंदगी भर उसे वहीं उसी जगह रहने देना चाहती हो? बताओ मुझे। मैं समझती हूँ चेयरमैन, मैं उसे वापस लाने की पूरी कोशिश करूंगी। बहुत अच्छे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये देखो, ये रहे, देखो इसे। ये देखा तुमने? देखा? वो एक दूसरे की बाहों में है, तुम्हें सावधान रहना होगा। मुझे लगता है कि उनकी बात सही है, लेकिन मुझे सू सिंग सिंग को कबूल कराना है कि मुझे पसंद करती है। मिस्टर गु, मुझसे एडवाइस मत मांगा करिए, मेरे पैर आज भी दुख रहे हैं उस दिन की पनिशमेंट की बात से। तुमने गलती की तभी तुम्हें सजा मिली, तुम मुझे अच्छे आइडियाज क्यों नहीं देते? मैंने कोशिश की पर मेरे अंदर एक्सपीरियंस की कमी है। मुझे ये बताओ कि आईमी के साथ रहते वक्त कैसा लगता है? वो दोनों दोस्त हैं तो शायद उनमें कुछ सिमिलैरिटीज तो होंगी। ये काफी पर्सनल है, मैं ऐसी बातें कैसे कर सकता हूँ? मुझे बताओ यार कि वो तुम्हारी सबसे ज्यादा परवाह कब करती है? सबसे ज्यादा परवाह वो तब करती है जब मैं दूसरी लड़कियों को देखता हूँ, फिर वो हमेशा गुस्सा हो जाती है। हाँ, जब वो जेलस होती है तब वो मेरी सबसे ज्यादा परवाह करती है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो ऐसे ही करती है। क्या सभी लड़कियां ऐसे ही जेलस होती हैं? मेरे हिसाब से हाँ। अगर सु जिंग जिंग आपको किसी दूसरी लड़की के करीब देख ले तो उसे जरूर बुरा लगेगा। सच में? अगर वो सच में आपको पसंद करती है तो। वैसे भी प्यार की दुनिया में तीसरे पर्सन का क्या काम? समझ गया। मेरी उस क्लासमेट को कॉल करो जब मैं यूके में पढ़ता था, तब थी ना स्कूलमेट, वो वाली जो हमेशा मेरे पीछे लगी रहती थी, वही। किन शाशा? हाँ वही। जल्दी कॉल करो उसे। हाँ अभी? हाँ, वो मदद भी कर देगी और दिक्कत भी नहीं होगी। मैं सू जिंग जिंग को बताना चाहता हूँ कि लड़कियों के बीच मैं कितना पॉपुलर हूँ। कार निकालो, जिंग जिंग को बुलाओ और चलो चलो जल्दी करो, टाइम कम है। क्या बात है।
मिस्टर गु, क्विन शाओ शाओ ने आपसे कई बार कल्चरल पार्क इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछ रही थी, आप आखिरकार उससे मिलने के लिए राजी हो गए। कल्चरल पार्क में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी हो रही हैं, और वैसे भी किसी को तो मौका दूं, हर बार एक ही लड़की को रिजेक्ट तो नहीं कर सकता ना। मिस्टर गु, लेकिन मुझे लगता है ये बस कवर अप है, मुझे लगता है वो ऐसा आपके करीब आने के लिए कर रही हैं। शेत, मुझे लगता है तुम ज्यादा सोच रहे हो, शायद वो किसी ऐसे को ढूंढ रही हो जो उस पे पैसे खर्च कर सके। क्या उसे गुस्सा आ रहा है, क्या वो दुखी है ये सोच कर कि मैं किसी और से मिलने जा रहा हूँ? तुम उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो, तुम उससे मिली भी नहीं हो, ऐसे ही उसे बदनाम कर रही हो। मिस्टर गु, मैं उसे बदनाम नहीं कर रही, तुम्हारी बेइज्जती कर रही हूँ। मेरी बेइज्जती? ये तो साफ दिख रहा है कि वो मुझे पसंद करती है लेकिन मान नहीं रही है। सच कहूं तो जब मैं यूके में पढ़ता था हमारी अच्छी दोस्ती हुआ करती थी, और मुझे लगता है मुझे वापस आने के बाद उससे मिल लेना चाहिए था। शियत, जल्दी चलाओ, शाओ शाओ से मिलने के लिए इंतजार नहीं हो रहा। ओ, हाँ। टाइम बाद मिले। हाँ। ओह, तुम्हारा हाफेफोबिया ठीक नहीं हुआ? हाँ, माफ करना, शाओ शाओ। लेकिन अब तुम पहले से काफी बदल गए हो। बदल गया? लेकिन कैसे? मैं हमेशा से ऐसा ही था, और क्या तुम भूल गई हम कितने करीब थे? ये कौन? मेरी बॉडीगार्ड सुजिंग जिंग। क्या ये वही कल्चरल पार्क है जिसके बारे में तुम बता रही थी? तुम्हें कितने पैसे चाहिए? आराम से अमीर आदमी, तुम ये भी नहीं पूछने वाले कि हम पैसे कैसे कमाते हैं? बिल्कुल मैं पूछूंगा, वरना मैं यहाँ पर आता ही क्यों? चलो बताओ फिर। हे, इस तरफ। चलो। मिस्टर गु, आज तुम जैसे हो वैसे बिहेव नहीं कर रहे, कुछ तो अजीब है। तुम्हें मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, चलो। बोला था उसे बस पैसे चाहिए, जरूर वो तुमसे मिलना चाह रही है। इस जगह पर काफी सारे रेस्टोरेंट्स और कैफेज हैं, काफी सारे आर्टिस्ट यहाँ पर अपने स्टूडियो खोलेंगे। इस पार्क में हमारे पास सब कुछ है। और ये क्या है? क्या यही तुम्हारा मेन फीचर है? हाँ, इसे हल्के में मत लो, ये वॉल अभी बहुत पॉपुलर है, काफी सारे कपल्स और फ्रेंड्स ग्रुप्स आते हैं और अपने हैंड प्रिंट्स देके जाते हैं। मैं मैंने तुम्हारे लिए एक स्पॉट छोड़ा है, मैं तुम्हारे साथ देना चाहती हूँ। तो फिर देते हैं। ओके। ओके। हाँ। माफ करना, मुझसे गलती हो गई। इस वाले हार्ट में तीन हैंड प्रिंट्स के लिए जगह नहीं बन पाएगी। कोई बात नहीं, जिंग जिंग मेरे ऊपर प्रिंट लगा सकती है, तो फिर चलो करते हैं। आ जाओ। नहीं, वो अच्छा नहीं लगेगा, मैं यहाँ कर लेती हूँ। मिस्टर गु, तुम्हें भूख लगी है? जल्दी काम खत्म करके लंच करते हैं।
ओह, तुम्हारा फेवरेट खाना बनवाया है हमारे प्राइवेट क्लब में, चलें क्या? चलो। मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था मैं सू भी आने वाली है, इसलिए मैंने सिर्फ दो लोगों का खाना बनवाया। कोई बात नहीं, मैं घर जाके खा लूंगी। माफ कीजिए। तो फिर ग्राफिटी वॉल के पास तुमने मुझसे लंच करने के लिए पूछा क्यों? कोई बात नहीं, वो मेरी बॉडीगार्ड है, चलो हम लंच कर लेते हैं। मुझे पता था तुम यहाँ आओगे, तो मैंने तुम्हारे लिए स्टेक और सी फूड फ्राइड राइस बनाया है, खा के देखो। खाओ खाओ, कैसा लगा? पुराने दिन याद आए? स्वाद भी पहले जैसा ही है। मुझे पता था तुम्हें ये फ्राइड राइस पसंद आएगा, इसलिए मैं जब भी ये खाती हूँ तो मुझे तुम याद आते हो। यूके से वापस आने से पहले इस रेसिपी को मैं सीखने के लिए गई थी। अच्छा है ना? ये लो, ये तो बहुत टेस्टी है। तुम्हारे पास इसकी रेसिपी है? सच में अच्छा है। इसकी रेसिपी बता सकती हो क्या? मैसू, क्या तुम्हें ये रेसिपी इसलिए चाहिए ताकि इनके लिए बना सको?世界上无法靠近的例外，而你却是唯一的意外。爱的无法自拔，想跟你浪迹天涯，相信我这是真心话。在你眼前才是我最真的姿态，什么都不需要去掩盖，总能让人期待有你在的未来，这是我们的童话。 牵着你，心就回到了家。不管人世间多复杂，你就是我的那个他。这就是我们之间的专属记忆，有着最独特的甜蜜。总是不经意，偷偷想起关于你的点点滴滴。这就是我们之间的。 专属记忆，终于明白了坚持的意义，一切慢慢清晰，你是注定出现在我生命里。 Oh, I love you。 就是我们之间的专属记忆，有着最独特的甜蜜。总是不经意，偷偷想起你，关于你的点点滴滴。这就是我们之间的专属记忆，终于明白了坚持的意义，一切慢慢清晰，你是注定出现在我生命里。 La 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 la
这就是我们之间的专属记忆，有着最独特的甜蜜，一起去憧憬一路上风景，见证彼此点点滴滴，这就是我们之间的